इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन द प्रिडेशन फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ प्रिडेशन दैन द प्रिडेटर प्रे पॉपुलेशन इंट्रेक्शन एंड द प्रे डिट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ प्रे ऑन दिस इफेक्ट ऑफ प्रिडेशन ऑन द प्रे डिट्रीब्यूशन सो फर्स्ट द प्रिडेशन स्टूडेंट्स प्रिडेशन इज एक्चुअली द फिनोमिना द इंट्रेक्शन बिट्वीन टू एनिमल्स इन विच वन एनिमल किल्स अदर एनिमल्स एंड यूज इट्स फ्लैश आर इट द सेकेंड एनिमल सो यानी कि ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल से इस तरह से इंट्रेक्ट करता है कि फर्स्ट एनिमल जो है इट किल द सेकेंड एनिमल एंड यूज द सेकेंड एनिमल एज फूड उसके जो डेथ काज करता है उसके बाद उसको जाओ वो एज ए फूड जो है वो यूज करता है सो so, अगर हम इसमें देखें तो नॉर्मली द एनिमल विच इज किलिंग द सेकेंड वन एनिमल वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को किल कर रहा है दैट इज कल प्रीडेटर एंड द एनिमल बींग किल्ड दैट इज कॉल द प्रे जो एनिमल किल हो रहा है बींगल्ड इज द प्रे एंड किलर इज द एक्चुअल द प्रिडेटर प्रीडेटर जो है प्रीडेशन इज डिफरेंट फ्राम पैरासिटीज्म पैरासीटिज्म में एक एनिमल दूसरे एनिमल की डैथ का बायस नहीं बनता उसे so, फूड जरूर लेता है लेकिन उसकी डेथ नहीं काज करता या फिर प्रिडेशन में जो होता है वो क्या होता है कि द फूड इज ओपटेन बाई किलिंग द अदर एनिमल दूसरे एनिमल को किल करके जो है उसको फूड लिया जाता है सो so, वाट इज अफेक्ट ऑफ प्रिडेक्टर प्रे इंट्रेक्शन अगर हम देखें प्रिडेटर प्रे इंटरेक्शन इन नेचुरल इनवायरमेंट इज वेरी कम्पलेक्स इंटरेक्शन तो प्रिडेक्टर प्रे इंट्रेक्शन इज वेरी कॉम्प्लैक्स इन नेचर सो इफ देर इज इन नेचुरल इन्वामेंट इफ देर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रे दैन अल्टीमेटली दिस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रे कैन सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रिडेक्टर्स अगर प्रे, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ी है तो अल्टीमेटली उस एनवायरमेंट के अंदर फिर ज्यादा तादाद तो में प्रीडेटर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा इफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रे तो अल्टीमेटली इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स तो दोनों पॉपुलेशन फिर क्या करेंगे? एक दूसरे से वो पैरल जो है वो ग्रो करती हैं सो इफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर डीक्रीज अगर पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर जो प्रे जो है इफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रे डीजेज द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर विल आल्सो डिक्रीज अगर प्रे की पॉपुलेशन कम हो रही है तो आप चूंकि जो, जो प्रीडेटर है उनको खाने के लिए काम मिलेगा तो अल्टीमेटली प्रिडेक्टर की पॉपुलेशन भी आज क्या होती चली जाएगी कम होनी चाहिए होती चली जाएगी तो मीन्स मोर प्रे मोर प्रीडेटर्स लेस प्रे लेस प्रीडेटर्स तो प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन एक दूसरे से क्या होते हैं कि म्यूचुअली जो है वो कंट्रोल होती है या कोऑर्डिनेट करती है ये. तो द प्रिडेशन आर द प्रीडेटर दे आल्सो कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रे एक तो ये होगा कि प्रीडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है कि ज्यादा पॉपुलेशन बड़ी होगी तो प्रीडेटर ज्यादा आ जाएंगे वो क्या करेंगे उसको अल्टीमेटली कंट्रोल कर लेंगे सेकेंड वन जो इंपॉर्टेंट थिंग दैट था प्रे डिस्ट्रीब्यूशन कि जो प्रीडेशन जो है इसमें जो प्रीडेटर है इट आल्सो कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रे कि प्रे किन एरियाज में होगा उस चीज को कंट्रोल करता है या सिंपली मैं अगर आपको बात समझाऊं एक फॉरेस्ट है फॉरेस्ट के अंदर अगर डियर मौजूद हैं तो वो अगर बिल्कुल ओपन एरियाज में घूमना शुरू कर दे तो उसका था डेटर उसको बड़े आराम से पकड़ लेगा तो वो हमेशा सेफ प्लेसेस के ऊपर रहते हैं यानी तो जिसका आता जो प्रे है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े सेफ एरियाज के अंदर होगी ओपन एरियाज के अंदर वो अपने आप को सामने नहीं लाएगा द अगदर एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राउट ये जो ट्राउट है ये नॉर्थ लेक की जो ट्राउट्स हैं कहते हैं कि अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करें तो नॉर्थ लेक के अंदर यानी जो नॉर्थ अमेरिका के लेक चाहे कैनेडा के अंदर जो लार्ज लेक्स हैं तो इन ग्रेट लेक्स की जो ले ट्राउट्स हैं वो कभी भी वो ये ट्राउट मूव करके कभी भी साइबेरिया के फ्रेश वाटर्स में नहीं एंटर होती है यानी हालांकि वाटर लेक मौजूद है लेकिन उसके बावजूद ये कभी भी नॉर्थ लेक से ट्राउट निकल कर साइबेरिया के फ्रेश वाटर्स में नहीं जाती है उसके रीजन है उसके रीजन है जो है वो लैंपरीज हैं कि प्रिडिक्ट लैम्परीज आर प्रेजेंट इन द साइबेरियन फ्रेश वाटर्स तो इस वजह से वो कभी भी जो है वो मूव करके उधर नहीं जाती है और ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्राउट प्रेजेंट ऑल इन द Uh, waters of the North Lakes are the in the water of the North America.